आखिर चीन लद्दाख में ऐसा क्या कर रहा है जिसे देख अमेरिका के जनरल ने भारत को अपनी आंखें खोलने की बात कही है, आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लीन भारत पहुंचे थे और इन्होंने भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की है और इन्होंने भारत और चीन के बीच बयान में भारत को आंखें खोलने की बात कही है। इन्होंने इस बात को इसलिए कही कि चीन पिछले महीने ही पूर्वी लद्दाख में दूसरा पुल बना रहा है। इस पुल की सहायता से चीनी सैनिकों को लद्दाख में पहुंचने में मदद मिलेगी। भारत से लगी सीमा पर चीन रोड और रहने के लिए घर भी बनवा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन चीन मानने को तैयार ही नहीं है। और वहीं चीन का सीमा विवाद हिंद प्रशांत के कई देशों के साथ है, इसमें वियतनाम और जापान जैसे देश शामिल हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।